हे वर्षम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बॉक्स देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैंने ये एक्सल का हेलमेट जो है परचेज किया था 2 दिन पहले। तो उसका मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अच्छी लगेगी तो उस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ये हेलमेट आपको बाई करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसको बॉक्स ओपन करते हैं और दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको ये हेलमेट रखते हैं, तो इसको अपन साइड में रखते हैं। और पहले मैं बता दूँ कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको मिलता है इसके साथ ये एक पैकेट, आपको साइड ये एक पैकेट आपको मिलती है। अब इस पैकेट में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। सो गाइस, इस पैकेट में आपको एक एक्सर के ब्रांडिंग वाला स्टिकर मिल जाता है, 2 रेडियम मिल जाते हैं। और ये स्टिकर है आपका जो भी ब्लड ग्रुप वगैरह होगा, और ये जो डिस्प्ले पर लिखा रहा है, ये ब्लड ग्रुप अपने हेलमेट पे लगा सकते हो, ताकि कभी आप अगर एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो अगर इमरजेंसी के टाइम पे आपका ब्लड ग्रुप लोगों को पता हो तो वो अगर आपके ब्लड की जरूरत हो तो वो दे सके, ठीक, इसलिए दिया गया है। एंड एक छोटा सा स्पॉयलर आपको मिल जाता है, और बड़ा वाला मैंने लगा रखा है क्योंकि भाई 2 दिन पहले डिलीवर हुए मेरे को, तो मैंने इसको ओपन कर रखा है, पहले से ओपन कर रखा है, क्योंकि मेरे को चेक करना था कि ये डिफेक्टिव तो नहीं, क्योंकि मैंने अमेजोन से इसको परचेज किया था। तो अभी इसको आपको साइड में रखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं मेन हेलमेट। तो हेलमेट सबसे पहले आप देख लो इस तरीके के कुछ बैग में आता है, ठीक, इस बैग पर आपको एक्सर की ब्रांडिंग और इधर एक्सर की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। सो एक सेकेंड, तो ये रहा अपना कुछ हेलमेट, देख लो भाई एकदम ओपी लुक, मतलब एकदम किलर लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा हेलमेट मेरे को लग रहा है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और अभी इसका मैं वाइट ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। सो भाई ये है कुछ अपना हेलमेट, ठीक है, और ये अपनी बाइक पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो अब मैं इस हेलमेट के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये हेलमेट है एक्सर कंपनी का एपेक्स हंटर रेड कलर, ठीक है। एक्सर कंपनी वेगा कंपनी की चिल्ड्रन कंपनी है, ठीक। तो ये है एपेक्स हंटर, यहाँ पर आपको हंटर की लोगो मिल जाता है, एक एक्सर का लोगो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिक्स साइड में थोड़े ग्राफिक्स यहाँ पे एक्सर लिखा हुआ आपको देखने मिल जाता है, सेम इधर ग्राफिक्स वगैरह देखने आपको मिल जाती है। और ये है वो बड़ा वाला स्पॉयलर जो कि मैंने लगा रखा है, ठीक। बात करें इसके पैडिंग की, तो इसके अंदर की पैडिंग जो है मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ। तो इसके अंदर की पैडिंग आप देख सकते हैं पूरा, मतलब आपका पूरा फेस जो है, मतलब आपका पूरा फेस जो है वो कवर रहने वाला है, थोड़ा सा भी फेस आपका एक्सपोज नहीं रहेगा। और पैडिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मूथ है, और बहुत जल्दी टाइट की पैडिंग जाएगी नहीं, ठीक है, काफ़ी हद तक ये मेंटेन रहेगी पैडिंग, और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। इसका वेट लगभग 1600 ग्राम है, जो कि मेरे को हल्का सा हैवी लगा मेरे ओपिनियन में। बाकी जैसे जैसे मैं इसको लगाऊंगा, जैसे जैसे आदत पड़ेगी तो उस हिसाब से सब हो जाएगा। और इसमें आपको ये क्लियर वाइजर देखने को मिलता है, और साथ में एक सन वाइजर भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नोज गार्ड लगती है, और यहाँ पे चिन कर्टन जो कि मैंने निकाल रखा है, क्योंकि मैंने अपना ये जो माउंट है इसको यहाँ पे लगाया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो नोज गार्ड जो कि आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक, यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से, और ये रहा वो चिन कर्टन, ठीक। तो अभी इसको बाद में लगा देंगे, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें सेफ्टी फीचर्स और बहुत है। तो सबसे पहले तो देख लो आप, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये डॉट सर्टिफाइड है, और ECE सर्टिफाइड है, ठीक, और ISI सर्टिफाइड भी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हेलमेट्स के लिए जरूरी कर दिया कि वो ISI सर्टिफाइड होने चाहिए, तो इसलिए आपको इस हेलमेट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी ISI सर्टिफाइड है, ठीक, 3 टेस्ट इसने पास कर रखे हैं। बात करें तो इसमें आपको ऊपर के साइड 2 वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ये, और एक वेंट आपको फ्रंट पे देखने को मिल जाता है, और पीछे से वेंटिलेशन के लिए जो एयर बाहर जाएगी वो यहाँ से जाएगी। ओवरऑल डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, ABS मटेरियल से इस हेलमेट को बनाया गया है। और इसमें आपको डबल डी रिंग या बोले तो पिन लॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जल्दी खुलता नहीं है, मतलब कभी आप पोल्यूशन वगैरह में हिट करते हो किसी को तो ये हेलमेट लूज के वजह से कभी खुलेगा नहीं, ठीक। तो ये है कुछ अपना हेलमेट, और अभी बात करते हैं इसमें आपको मैं चिन कर्टन और नोज गार्ड लगा के दिखा देता हूँ। तो बस एक सेकंड वीडियो में बने रहना, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ और लगा के मैं सीधे आपको दिखाता हूँ।
तो भाई लोग ये लग चुका है अपना नोज गार्ड और चिन गार्ड है। सबसे पहले नोज गार्ड देख लो, ये रहा नोज गार्ड और ये रहा आपका चिन गार्ड है। तो ये आपको मिलेगा लगा लगा, ठीक है, जब आप खरीदोगे तो आपको ये मिलेगा। मैंने इसलिए निकाल दिया था नोज गार्ड क्योंकि मेरे को होल्डर लगाना था, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। और बाकी मैंने इसको ग्लॉसी में मंगाया था, ठीक है, ये इसका एक मैट वर्जन दिया था बट मेरे को मैट वर्जन उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने ग्लॉसी वर्जन मंगा लिया, ठीक है। ग्लॉसी वाला चमकता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बट इसकी केयर थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि इस पर स्क्रैचेज आएंगे तो वो विजिबल रहेंगे। और बाकी मेरे को ये पड़ा है हेलमेट अमेजोन पे 4770 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है अमेजोन पे। बाकी आप लिंक से जाके बाई करो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी प्राइस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी हेलमेट में कोई भी कमी नहीं है अभी तक मेरे को लगी। और बाकी ये हेलमेट मैं आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ हेलमेट, अभी ये वाइजर ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है हेलमेट का, अभी ये टॉप को थोड़ा साइड में रख के आपको पूरा लुक दिखाता हूँ मैं। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, साइड से देख लो और इधर से भी देख लो, ये आ रहा है ऊपर से ये और फ्रंट से ये लुक है। और ये है आपका सनवाइजर, ठीक, ये है सनवाइजर। तो वाइजर को मैं डाउन कर देता हूँ, अभी वाइजर डाउन कर देते कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको निकालते हैं और फिटिंग मेरे को बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरे को एम साइज है, एम साइज मेरे को लगता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये हेलमेट 5000 रुपीज़ के लिए वर्थ है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये हेलमेट 5000 का है और वर्थ है क्योंकि भाई इसमें देखो आप तीन इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं ISI.ECE और इसमें आपको जबरदस्त पैडिंग देखने को मिल जाती है, नोज गार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक। वाइजर भी इसका काफ़ी मोटा है, नॉन स्ट्रेचेबल है और इसमें आपको पिन लॉक सिस्टम मिलता है, ठीक। पिन लॉक सिस्टम मतलब कि जब आप ये वाइजर डाउन करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा मतलब स्पेज रखा है जिसमें आपका ये वाइजर फिट हो जाएगा, तो जब आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो ये अपने आप उठेगा ही, ठीक। और इसमें आपको सन वाइजर भी देखने को मिल जाता है यहाँ अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। प्लस ये कुछ स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एडिशनल एक्सेसरीज हैं, तो इस वजह से ये हेलमेट मेरे को तो वर्थ लगा। बाकी मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आगे चल के दूंगा, जब इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा तब मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा। तब तक के लिए गाइज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और आज की वीडियो में बस इतना ही होगा, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप